मशाल स्वयं हवा में तैर रहा है बाबा, देखिए। डरिए मत, ये रुमझुम है। रुमझुम कौन है? हमारा शिष्य था। था ये प्रथम व्यक्ति था जिसे पिशाच ने मृत्यु के घाट उतारा था। रुमझुम, चलो जाओ यहाँ से, हमें अनुष्ठान पूर्ण करने दो। ओम शोम चामुंडाय विच्छय। जंगल में कोई पीछे से पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मुड़ना नहीं है पीछे, मुड़ना नहीं है। हे भगवान। गोविंद, कितनी उत्सुकता है हमसे मिलने की। क्या हुआ, हमारी बात तो सुनो। गोविंद, बाबा उठिए, मेरे प्राण संकट में। बाबा मार डाला। पंडित रामकृष्णा, इतना तीव्र प्रहार क्यों किया? क्षमा करे बाबा। अगले अवसर पर हल्के से डंडा मारना। अब बताओ क्या हुआ? पंडित रामकृष्णा, हमने क्या कहा था? अरे बाबा, मुझे मेरा नाम तक स्मरण नहीं है। आपने क्या कहा था, वो कैसे स्मरण रहेगा? ये वेंकटपति सूर्य राव है, चना मांगने आया है, इसे चना दो। लो बोलो, चना मांगने ऐसे आते हैं ना? ये ले। जब भी आपके पास आए इसके मुंह में एक चना डाल देना, हम अनुष्ठान आरंभ करते हैं। जी। ओम शोम चामुंडाय विच्छय। पीछे पलट कर नहीं देखना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। गोविंद, मैं तमाम में तुम्हारी अनंता, तुम हमसे भाग क्यों रहे हो? वो बाबा ने कहा था कि कोई भी नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाँ। परंतु प्रियतम तो मेरा नाम नहीं है, तो मैं तो पीछे मुड़कर देख सकता हूँ। हाँ। अनंता लक्ष्मी, तुम हमें देखकर भागे क्यों? मैं क्या? हाँ, समझ गई। हमने तुम्हें यहाँ खंडर में मिलने बुलाया था ना, इसलिए तुम यहाँ आने के लिए उत्सुक थे। हाँ। नहीं, इतना प्रेम, इतना सम्मान, हम तुम्हें पाकर धन्य हो गए प्रियतम। अनंता लक्ष्मी, मुझे विवाह करना है। हमें भी। सच? हाँ, परंतु प्रियतम, विवाह के लिए कन्या की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या तुम्हारी दृष्टि में ऐसी कोई कन्या है? अब तक तो नहीं है। क्या? तो फिर हम कौन है? आप भूल गई, आप अनंता लक्ष्मी हो। हाँ, और एक कन्या भी। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम कन्या नहीं हो? तुम तो एक अत्यंत ही सुंदर कन्या हो, अनंता लक्ष्मी। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने आज तक कभी विवाह किया नहीं है ना, तो विवाह को लेकर मैं थोड़ा सा भयभीत हूँ। व्यर्थ ही भयभीत क्यों हो रहे हो? विवाह तो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। विवाह के पश्चात
पुरुष का जीवन सुखमय हो जाता है। हाँ। तुम कह रही हो तो सत्य होगा, तुम विवाह कर चुकी हो। कैसे बातें करते हो गोविंद, हम तो अभी अविवाहित है ना। तो विवाह के संबंध में तुम्हें इतनी सूचना कैसे प्राप्त हो गई? क्योंकि हमने कई विवाह देखे हैं। विवाह के पश्चात पुरुष को एक जीवन संगनी प्राप्त होती है जो उसका ध्यान रखती है, उसको गर्मा गर्म भोजन देती है और सुख दुख में उसका साथ देती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रक्षा भी करती है। तो मुझे ऐसी कन्या की प्राप्ति कब होगी? तुम्हें प्राप्ति हो गई है। मुझे कन्या की प्राप्ति हो गई है और मुझे ज्ञात ही नहीं है। देखोगे तभी तो ज्ञात होगा ना। किसे देखूंगा अनंत लक्ष्मी? हमें। परंतु तुम्हें देखने से मुझे विवाह के लिए कन्या की प्राप्ति कैसी होगी? उफ, क्योंकि क्योंकि हम ही वो कन्या है। तुम? हम। तो तुम क्या मुझसे विवाह करोगी? हाँ, तो फिर इतने समय से हम तुम्हें और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे समझने में इतना विलंब क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क किसी अंधेरे कुएं में पड़ा है जिसे प्रकाश की आवश्यकता है और जिसे विवाह ही प्रकाशित कर सकता है, है ना? ज्ञात है मुझे, जीजा जी ने भी ऐसे ही कहा था, प्रकाश की आवश्यकता। वो देखो। क्या? प्रकाश अब वहाँ है। चले। प्रकाश। पहली बार कंकाल देखा है जो मृत होकर भी चने खाते हैं। लगता है पिशाच के अनुचर आ गए। अरे जीजा जी, आप? प्रणाम जीजा जी, प्रणाम। गोविंद, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कौन है? अनंत लक्ष्मी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बाप रे, बाबा, ओ बाबा, पति तो फिर से सो गए। बाबा, क्या है? बाबा, मेरा साला गोविंद आया है। मूर्ख मत बनो, ये तुम्हारा साला गोविंद नहीं है, इसकी बातों में मत आना। परंतु अनेक सोचो पंडित रामाकृष्ण, ये बात तुम्हारे साले को कैसे ज्ञात हुई कि हम अनुष्ठान यहाँ खंडर में कर रहे हैं, जबकि हमने ये सबसे गुप्त रखा था। यहाँ तक कि आपको भी ज्ञात नहीं था कि हम ये अनुष्ठान यहाँ करने वाले हैं। नहीं कहा। ए गोविंद, तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं? मुझे कहा ज्ञात था, तो यहाँ आया कैसे? चल कर जीजा जी। वही तो पूछ रहा हूँ मूर्ख राम, कि जब पता नहीं था कि हम अनुष्ठान कहाँ कर रहे हैं तो यहाँ कैसे आया? वो प्रकाश देखा ना हमने, प्रकाश देखकर हम लोग चल पड़े यहाँ पर। वार्तालाप बंद कीजिए पंडित रामाकृष्ण, हमारे अनुष्ठान में विघ्न पड़ रहा है। ओह, क्षमा करें बाबा, क्षमा करें। लगता है योद्धाओं ने पहचान लिया है, यह अवश्य ही प्रलयनाथ है जो मुझे बहलाने के लिए आया है। प्रलयनाथ, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मैं बता रहा हूँ। प्रलयनाथ कहाँ है जीजा जी? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं बता रहा हूँ। प्रलयनाथ, बाबा, ओ बाबा, ए बाबा उठिए। बाबा जीजा जी, आप क्या? दूर रहना, मैंने कहा ना दूर रहना। बाबा, बाबा, अरे जीजा जी, वो तो सो गया। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। ओ बाबा, अरे बाबा, जीजा जी, आप भी ना एक दुष्प्रलयनाथ।
आगे मत बढ़ना, ये बाबा काल बैलू का बनाया हुआ सुरक्षा घेरा है, तू इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ तो आप आ जाइए ना जीजा जी। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा बाहर, मैं क्यों आऊँ? डंडा लेने? नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बाबा ओ बाबा बाबा उठिए बाबा बाबा, प्रणयनाथ मेरे समीप आ रहा है, बाबा उठिए। जीजा जी ठीक है, आप मत आइए, मुझे ज्ञात है कि आप डंडे से क्या करना चाहते हैं, मैं आपकी सहायता कर देता। अरे मार डाला रे, मार डाला। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा बाबा, इस प्रलयनाथ ने मारा जो इस समय गोविंद के रूप में यहाँ आया है। दुष्ट प्रलयनाथ, अब तेरा अंत निकट आ गया है, अनुष्ठान पूर्ण होने तक तू हमारा बंदी रहेगा। हाँ। और अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात तू हमारा सेवक, हम अभी इसी समय तुझे रक्षा कवच में बंदी बनाते हैं। शोम शोम चामुंडाय। गोविंद 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 ठीक तो तुम? गोविंद ठीक हो ना तुम? क्या हुआ तुम्हें गोविंद? वल्लाह इतनी भयावह ध्वनि तो उनका लामा डालकर ठीक था। पता नहीं किस पेड़ पर छुपे बैठे हैं। अम्मा उन्हें तो ढूंढते ढूंढते आधी रात बीत गई। लती तो ते लामा तो गया, तेने एक और तीव्र ध्वनि निकलते। अभी बताती हूँ। तुमने सच में मेरी रक्षा की, तुम मेरी पत्नी बनने योग्य हो। ये प्रलयनाथ के अनुचर अत्यंत शक्तिशाली है, इन पर मेरे अभिमंत्रित धुएं का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जीजा जी आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखो यदि तुम मेरे साले गोविंद हो ना तो अपने साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। हाँ जो आज्ञा जीजा जी। प्रणाम प्रणाम। चलो अनंता। प्रलयनाथ की अनुचर ये चुड़ैल इतनी अधिक शक्तिशाली थी, किंतु हमारे योद्धाओं ने अपने प्राण देकर हमारी रक्षा की। बाबा काल भैलू तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। बाबा काल भैलू यदि वो प्रलयनाथ था तो मेरी बात मानकर चला क्यों गया? पंडित रामकृष्ण जी, प्रलयनाथ अत्यधिक चालाक है, वो आपका विश्वास जीत रहा है, वो पुनः आएगा। अब हमें शीघ्र ही ये अनुष्ठान संपन्न करना होगा। उचित है। बाबा जाते जाते वो डंडा तो दे दीजिए। अब डंडे की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम नहीं सोएंगे। उचित है। आप जीजा जी की आज्ञा तो उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैं तो गोविंद हमें शीघ्र छुपना होगा। क्यों भागो? क्या हुआ?
तो शारदा दीदी और अम्मा है और गुंडे भाभी साथ में, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं गोविंद, बाबा तो पुनः निद्रा अवस्था में गया। क्या? रात्रि का अंतिम पहर बीत गया, ये सोता रहा तो अनुष्ठान संपन्न कैसे होगा? बंधु डंडा भी बाहर गिर गया है, क्या करूं? जा जाकर उठाना। नहीं नहीं पागल है क्या, बाबा ने घेरे से बाहर जाने से मना किया है। रामा जब तक तू डंडा नहीं उठाएगा बाबा को कैसे उठाएगा, और बाबा नहीं उठेंगे तो अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा। थोड़ा साहस कर और घेरे से बाहर निकल। उचित है। शारदा गुंडप्पा। ए बंधु। नहीं रामा, पिशाच और उसके सेवक ये तुझे बहकाने आए हैं। सुना नहीं मुंह से कैसी विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं। बाबा बाबा उठिए, बाबा पिशाच फिर आ गया, बाबा उठिए। ओ बाबा, अरे ये तो सच में अनुष्ठान में बैठा है। हाँ तो और कहाँ बैठूंगा? पता है हमने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। क्यों, मेरे प्राण लेना चाहते हो? नहीं नहीं, आपको क्या लगा कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे? लामा मैं तेरे मित्र, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? बाबा बड़ा अच्छा मित्र है, और तब मैंने जब अपने साथ आने के लिए कहा था तब क्यों मना किया था? हमने कब मना किया था, हम तो चलने के लिए तैयार थे, इस बाबा ने मना किया था। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आए हो? आपकी सहायता के लिए। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ यहाँ से। एक क्षण, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि अनुष्ठान यहाँ इस खंडहर में हो रहा है? हमें आपकी चीख सुनाई दी थी। मेरा उपहास उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारी चाल समझता हूँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। रामा इधर आ। शांत हो जा कपटी। तो चुपी रह चुड़ैल। चुड़ैल? हम चुड़ैल? अम्मा देखो ना, उठा लो। क्या? डंडा और क्या? अम्मा इन्होंने हमें चुड़ैल कहा। हाँ, तुम्हें चुड़ैल और इसे कपड़ी, क्योंकि मुझे पता है तुम सब कौन हो, तुम्हारी असलियत जानता हूँ मैं। रामा अपने मन की सारी भड़ास निकाल ले, आज अवसर मिला है, पिशाच और उसके अनुचर अम्मा शारदा और गुंडप्पा का रूप धर कर आए हैं। तू इन्हें अम्मा शारदा और गुंडप्पा समझ के जितना कोसना चाहे कोस ले, आज तुझे अवसर मिला है, इसे मत जाने दे रामा। सही कह रहा है बंधु। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।